गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर बुक आवर सेकेंड चैप्टर इज द क्रूअल बिशप देयर लिव्ड अ रिच बिशप नेम्ड टोनी नियर द बैंक ऑफ अ रिवर कि एक बार जो है एक टोनी नाम का अमीर साहूकार नदी के किनारे रहता था ऑल्दो टोनी वॉज वेल्दी क्योंकि टोनी जो था वो बहुत अमीर था ही हेटेड द पुअर फॉर देयर पॉवर्टी इसलिए वो गरीबों से उनकी गरीबी के कारण नफरत करता था ही ऑर्डर्ड ऑल द गुड्स एंड गोल्ड दैट ही कुड गेट एंड ही वॉज प्राउड ऑफ वेल्थ ही हैड वह जो भी उसे सामान और सोना मिलता था उसे जमा कर लेता था और उसे अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा गर्व था In fact, he was not a good person. वास्तव में वो एक अच्छा इंसान नहीं था Since there was a great famine in Italy, जब इटली में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया thousands of people, poor people died of hunger. हजारों लोग भूख के कारण मर गए Even the rich could not get enough food. यहाँ तक कि अमीरों के पास भी भरपूर भोजन नहीं था टोनी हुज बैरन वर फुल ऑफ ग्रेन्स टोनी जिसके खलिहान अनाज से भरे पड़े थे डिड नॉट गिव एनी ऑफ देम टू द डाइंग पीपल मरते हुए लोगों को उसने अनाज नहीं दिया इंस्टेड ही सोल्ड हिज ग्रेन्स एट अ वेरी हाई प्राइस जबकि उसने अपने अनाज को और ज़्यादा ऊंची कीमतों पर बेच दिया ही डिड नॉट इवन लाइक टू लुक एट द चिल्ड्रन हु वर क्राइंग फॉर फूड इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन उसे उन बच्चों की तरफ भी देखना पसंद नहीं था जो उसके कस्बे की गलियों में भूख से चिल्ला रहे थे वन डे एक दिन अ क्राउड ऑफ स्टार्विंग पीपल वेंट टू द बिशप्स पैलेस भूख से तड़पते लोगों का एक झुंड बिशप यानी साहूकार के महल के पास आया एंड Begged for some corn और कुछ अनाज मांगने लगा Tony smiled at them and said, Tony उन पर मुस्कुराया और कहा Let all those who want food gather in my big barn which is outside the town. चलो जिन लोगों को भोजन चाहिए वह शहर से या कस्बे से बाहर मेरे गोदाम में इकट्ठा हो जाएं. In that barn उस गोदाम में I have enough grains for all of you. उस गोदाम में तुम सब के लिए भरपूर अनाज है आई हैव डिसाइडेड नॉट टू लेट यू सफर फ्रॉम हंगर एनी लॉन्गर मैंने निर्णय लिया है कि अब आप सब भूख को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे या मैं तुम्हें भूख से और ज़्यादा सहन नहीं करने दे सकता स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक लेसन जो है अच्छे से रीड करना है और इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करके अपनी क्लासवर्क नोटबुक में लिखना है आज के लिए इतना ही थैंक यू